हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैक्सेल गाइडलाइंस। आज की हमारी वीडियो है इनकम फ्रॉम सैलरी की कंप्यूटेशन। आपको करके दिखाऊंगे कि कौन कौन से अलाउंसेस ऐड होते हैं, क्या क्या माइनस होता है, फिर हमारी टैक्सेबल इनकम क्या जनरेट होती है। तो इससे पहले भी मैंने दो वीडियोस बनाई थी दो पार्ट्स में, उसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी के रेफरेंस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन दोनों वीडियो को ज़रूर आप रेफरेंस बना कर जो है ना याली वीडियो देखिएगा, फिर आपको सब डिटेल में समझ आएगा। तो देख लेते हैं कि सैलरी में क्या इंक्लूड होता है। जो भी अमाउंट रिसीव होती है आपको एम्प्लॉयर से, वो सारी आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। अब उसमें क्या क्या शामिल होता है, पे होती है, वेजेस होती है, लीव पे होती है, ओवर टाइम होता है, बोनस, ग्रेजुटी, वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट्स, मतलब कोई डेंजरस वर्क कर रहे हैं उसके लिए आपको कोई अलाउंस मिलता है, फ़ीस हो गई, कमीशन हो गया, अलाउंसेज हो गए, परक्विजिट्स हो गए, प्रॉफिट इन ड्यू हो गया, या एनी एडिशन टू सैलरी हो गया, एनी अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ये सारे आपके इंक्लूड होते हैं सैलरी में जो जिस पर आपका टैक्स कैलकुलेशन होती है। अब ज़रा वर्क एग्जांपल पे देख लेते हैं। इस पर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आपको क्या क्या डाटा। बेसिक सैलरी हो गई आपकी 3 लाख की, अलाउंस हो गए 25,000 के, कोला हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हो गया 26,000 का, बोनस हो गया 30,000 का, और कमीशन हो गया 32,000 का। ये आपकी सारी एनुअल पर बेस्ड है, मतलब कि साल में आपने इतना इतना कमाया इन हेड्स के अंडर। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब वर्क विजिट्स हो गए, पे बेनिफिट्स हो गए, मतलब उसमें सर्वेंट्स की सैलरी आ गई, हाउसकीपर की आ गई, ड्राइवर की आ गई। फिर उसके बाद यूटिलिटीज़ हो गए, एक्सपेंसेस जो होंगे उसमें से एम्प्लॉयर ने आपके इतने इतने आपके अलाउंस तय कर दिए कि इतने इतना आपको अलाउंस साल का मिलेगा इन हेड्स, यूटिलिटी के हेड्स के अंदर। तो ये आपकी टैक्सेबल सैलरी बन गई टोटल इन सबको मिलाकर 6,04,500। ये आपकी टैक्स कंप्यूटेशन में सैलरी काउंट होगी, मतलब इन सारी जो आपकी इनकम्स आ रही है अलग अलग हेड से, ये सारी आपकी कंप्यूटेशन में आएगी टैक्स के। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगली हमारी वर्किंग क्या है। अगली वर्किंग हमारी लोन पर है। अच्छा, लोन पर जो वर्किंग है वो तो मैं आपको अभी डिफ़ाइन करूँगा, उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैं कौन से रेफरेंस की बात कर रहा था। ये हेड ऑफ़ इनकम सैलरी, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आप देखेंगे सेक्शन 12 में, ये मैंने पिछली वीडियो में इसकी डिटेल सारी डिफ़ाइन की भी, आप काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि जिन जिन हेड्स के अंदर क्या क्या डिटेल्स है, वही मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ आपको एक एक्सेल की शीट पर के क्या क्या होनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम लोन की वर्किंग पे, आ जाते हैं कि लोन में क्या क्या वर्किंग डिटेल में हमें लॉ के हिसाब से क्या करनी चाहिए। अब ये देख लेते हैं कि लोन की वर्किंग किस तरीके से होती है। आपकी टैक्सेबल अमाउंट क्या है जो सैलरी के ऊपर निकली थी 6,04,500, अब उसके ऊपर आपने लोन लिया 12 लाख का। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपका आता है इंटरेस्ट फ्री लोन का आता है, जो लॉ में आता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपका बेंचमार्क रेट लगता है जो है 10%, लॉ में डिफ़ाइन हुआ है, उसमें आप पिछली वीडियोस में रेफरेंस ले लिएगा उस पर। अच्छा, तो इस पर ये होगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम है 6 लाख की, उस पर ये ऐड हो जाएगा 10% जो आपकी अमाउंट बनती है लोन की 10% की, तो वो आपकी ऐड बैक हो जाएगी आपकी सैलरी में। तो उसका आपका टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बन जाएगी, 7,24,500। 12 लाख का 10% होता है वो 1,20,000, तो वो ऐड हो जाएगा आपका 6,04,500 में, जो आप टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, इंटरेस्ट चार्ज 8%, मतलब आपके बेंचमार्क रेट से कम है, मतलब 10% जो आपका बेंचमार्क रेट है उससे 2% कम है, 8% है। तो उसमें ये होता है कि आपकी टैक्सेबल जो सैलरी है 6,04,500 उसमें ऐड हो जाता है 10%, और जो 8% है उसको माइनस कर देते हैं। तो जो रिमेनिंग फिगर जो आती है, मतलब 10% माइनस 8%, में वो आपकी ऐड बैक हो जाती है और वो आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाती है। तो उस हिसाब से आपकी क्या बन जाएगी, 6,28,500 की टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है इंटरेस्ट चार्ज 15%, मतलब बेंचमार्क से 5% ज़्यादा। तो उसमें ये होता है कि इस पर आपका कोई चार्ज नहीं होगा इंटरेस्ट, आपकी सैलरी में ऐड बैक नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ आपकी टैक्सेबल सैलरी जो कैलकुलेट होकर आई थी इनिशियली 6,04,500, वही उस पर ही टैक्स लगेगा, आपका एडिशन 15% चार्ज नहीं होगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर यूज फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, मतलब एसेट अगर आप लेते हैं उसके लिए आपने लोन लिया तो उसकी क्या कैलकुलेशन होगी।
आप जैसे कि देख रहे हैं परचेज ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी लेनी थी 20 लाख की, आपने लोन लिया 12 लाख का। अब उसका आपने क्या किया, आपने मशीनरी ले ली तो उसका आपने रेंट पर दे दिया एनुअल कितने, 4 लाख पर। उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है 14,400 की। तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, सबसे पहले तो आप एनुअल रेंट लिख लेंगे सारे, मतलब कि तीनों जो क्राइटेरिया है, नो इंटरेस्ट का आ गया आपका 8% का आ गया, मतलब कि बिलो बेंचमार्क रेट है, और इंटरेस्ट 15% है जो अबव बेंचमार्क रेट है। तो उसमें ये होता है कि एनुअल रेंट तो आपका वैसे का वैसा आ जाएगा तीनों सिचुएशंस में, 4 लाख 4 लाख 4 लाख। फिर उसमें से माइनस क्या होगा, अलाउबल डिडक्शंस क्या क्या हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस माइनस हो जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस माइनस हो जाएगी जो 14,400 है तीनों क्राइटेरिया में, तीनों में से माइनस हो जाएगा। अब फिर इसके बाद आपका आ जाता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट में आपका वही 10% बेंचमार्क रेट जो है, तो जैसे कि आपको ऊपर दिया हुआ था 10% बेंचमार्क रेट, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये 10% जो है बेंचमार्क रेट वही अप्लाई होगा नो इंटरेस्ट में, और वो ऐड बैक हो जाएगा किसके साथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, और वो टोटल डिडक्शन बन जाएगी जो आपकी रेंट में से माइनस होगा, जो एनुअल रेंट आपके पास आ रहा है, तो फिर वो टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। फिर इसी तरह आपका 8% में भी होगा, 10% ही चार्ज होगा, क्योंकि बिलो 10% का काउंट नहीं होता, तो 10% ही काउंट होगा, और उसको इसी तरह 4 लाख में से माइनस हो जाएगा। तो सेम वही नो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट 8% पर, बिलो 10% का बेंचमार्क से कम जो भी होगा वही सेम कैलकुलेशन होगी। इसी तरह 15% में ये होगा कि 15% पूरा काउंट हो जाएगा और आपके रेंट में से माइनस हो जाएगा, फिर वो टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। इसी तरह फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉ में ये लोन का कहाँ आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसकी डिटेल क्या है, जहाँ से मैं रेफरेंस लेते हुए आपकी इसकी वर्किंग करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे क्योंकि बाज़ाहिर तो इसमें इस सामने की तरफ है नहीं कि लोन की कोई हेडिंग लिखी हो। ये देखें, ये लोन का है, जैसे जैसे आप मतलब लोन लेते हैं या आपने किसी एक्विजिशन के तहत लोन लिया, मतलब कि एसेट लेने के लिए आपने अलग से लोन लिया, तो उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये आप पिछली मेरी वीडियोस देखेंगे तो सैलरी की जो मैंने बनाई हुई है, इनकम फ्रॉम सैलरी की, तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और इसी तरह मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के लिए ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ ताकि आप लोग के लिए टैक्स आसान हो जाए। तो आप लोग से यही उम्मीद है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेटेड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें टैक्स के लिहाज से। तो नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू।